दोस्तों, मेरा नाम कुलविंदर है, आप देख रहे हो टेक्निकल पीपल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि उनका फ़ोन जैसे ही घर के अंदर लेके जाते हैं वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता। उनके फ़ोन के अंदर 2-2 GB रोज का पड़ा रह जाता है, वो यूज़ नहीं कर पाते, वो यूट्यूब नहीं चला पाते, वो टिकटॉक नहीं चला पाते, वो अपना कोई डेटा नहीं सेंड कर पाते, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको घर के अंदर ले जाते ही फ़ोन में आने लग जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनका फ़ोन स्लो हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फ़ोन ने तो अपनी स्पीड देनी है, पर आपके फ़ोन के अंदर जो सिम डला हुआ है, जिस कंपनी का सिम डला हुआ है, उसकी सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको नेट की स्पीड अच्छी मिलेगी। मैं भी बहुत परेशान था इस प्रॉब्लम से। कभी कभी तो मेरे को इतना गुस्सा आता था कि मैं अपने फ़ोन को उठा के मारूं दीवार में, चल नहीं गया। मेरे को ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे ताऊजी आए मेरे घर पे, तो मैंने देखा उनके फ़ोन में यूट्यूब ऐसे चल रही है जैसे खोलो तभी के तभी वीडियो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बफरिंग नहीं उसके अंदर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी बड़ी जल्दी चलती है, जबकि मेरे पास आईफोन है, जियो का सिम है, 2 GB डेटा रोज मिलता है, पर मेरे फ़ोन में यूट्यूब चलती ही नहीं। खोलता हूँ वहाँ पर बफर करने लग जाती है, टिकटॉक खोलता हूँ ऊपर करता हूँ तो वीडियो लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, पबजी चलाता हूँ तो बंदा मर जाता है। इस प्रॉब्लम की सल्यूशन मेरे को उसी दिन मिल गई जिस दिन मेरे ताया जी मेरे घर पे आए। मैंने देखा कि उनके पास BSNL का 3G सिम था, मेरे पास 4G सिम था, आईफोन था, पर मेरे फ़ोन के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा था। उनके फ़ोन के अंदर दौड़ रहा था इंटरनेट, जबकि वो एक 3G फ़ोन था, वो 4G फ़ोन भी नहीं था। तो इसका सल्यूशन मेरे को यही मिला कि अगर आपके घर के पास जो भी टावर होगा आपकी, उससे रेंज ज़्यादा अच्छी होगी, जैसे आपका फ़ोन अंदर जाएगा घर के, तब भी वहाँ पर इंटरनेट प्रॉपर चलेगा। जबकि मैंने ये चीज़ देखी कि जो आपके घर से ज़्यादा दूर होगा टावर, तो आपका फ़ोन जो है इंटरनेट चलाएगा तो सही, पर चलाएगा स्लो। इसीलिए ये आप सबसे पहले ये रिसर्च कीजिए कि आपके घर के पास कौन सा टावर पड़ता है, कौन सी कंपनी का टावर पड़ता है। जैसे आप अगर आप आइडिया चलाते हैं तो चेक कीजिए आइडिया का जो टावर है कितनी दूर है आपके घर से। आप अगर BSNL चलाते हैं तो आपके घर से कितनी दूर है BSNL। जियो चलाते हैं तो जियो का टावर कितनी दूर है आपके घर से। तो ये चीज़ पहले देखिए, ये नहीं देखिए कि मेरे साथ वाले घर वाले ने कितने का सिम लिया है, उसमें क्या ऑफ़र मिली है और सस्ता इंटरनेट किस में मिल रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका नेट ही नहीं चलेगा तो आपको जो रिचार्ज करा रहे हैं वो तो वेस्ट है ना। अगर आपको यूट्यूब नहीं चला पा रहे घर के अंदर तो फ़ायदा क्या है। तो यही सल्यूशन मैं दूंगा आपको। सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर के पास कौन सा टावर पड़ रहा है, आप उस कंपनी का सिम लीजिए। अगर आप अपना पुराना नंबर चेंज नहीं करवाना चाहते, आजकल MNP हो जाती है, आपका नंबर वही रहेगा और आपकी सर्विस प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट प्रोवाइडर जो है, वो चेंज हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। सिंपल है, कोई बड़ा मैंने कोई टेक्निकल फीचर नहीं बताया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं घर के अंदर चेक कैसे करूँ कि भी मेरे घर के अंदर इंटरनेट कैसे चलेगा, कौन सी कंपनी का अच्छा चलता है। तो आप अपने दोस्त यार दोस्त होंगे या साथ में अंकल जी होंगे, शर्मा जी होंगे, सिद्धू जी होंगे, तो उनका थोड़ी देर के लिए आप फ़ोन लाइए घर के अंदर, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाकर, अगर आईफोन है आपके पास तो ऐप स्टोर होता है, अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो प्ले स्टोर होता है, वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए स्पीड टेस्ट। घर के अंदर ये टेस्ट कीजिए कौन सी कंपनी का इंटरनेट स्पीड ज़्यादा अच्छी आ रही है घर के अंदर, तो आप उस कंपनी का सिम ले लीजिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और उस दोस्त को ज़रूर भेजना जिसको प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट की और आप मैसेज करते वो जवाब नहीं देता। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।